हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दीपू नेगी। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे काफ़ी सारे डैम्स, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी भी डैम के सामने हूँ। तो दोस्तों, इन डैम में कुछ डैम्स जो है पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है और कुछ डैम्स अभी बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों करते इस व्लॉग को शुरू। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है करछम डैम का स्ट्रक्चर, और ये दोस्तों सामने इसमें है इनटेक स्ट्रक्चर जहाँ से कि पानी इनटेक के लिए जाता है। और आप लोग देखिए यहाँ पर कितना पानी है। यहाँ पर दोस्तों दो साइड से पानी आता है, एक साइड से सतलुज आती है और एक साइड से बासपा नदी आती है और आपस में मिल जाती है। और दोस्तों, इस डैम के बिल्कुल साथ में अंदर की साइड आपको एक छोटा सा पार्क देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ही सुंदर दृश्य में बनाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग बैठकर काफ़ी मस्ती भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बासपा सेकंड के पावर हाउस के पास। इसका डैम दोस्तों कूपा में बनाया गया है, और आप लोग देख सकते हैं कूपा का जो आउटफॉल है वो यहाँ पर निकाला गया है। और दोस्तों, अभी आप इसके विशाल निर्माण देख सकते हैं, कितने ही प्यारे तरीके से इसे बनाया गया है। और दोस्तों, इस दीवार की मैं एक ख़ास बात आपको बता दूं, इस दीवार के ना होने के कारण इस कंपनी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों, जब ये कंपनी का काम यहाँ पर हो रहा था, तो उस टाइम दोस्तों ये जो पत्थरें आपको दिख रही है वो स्लाइड होने लग गई थी, क्योंकि ये दीवार यहाँ पर नहीं थी। तो कंपनी के द्वारा सोचा गया कि इसे दीवार लगा ही देते हैं, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कितना ही प्यारा लग रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं पटेल कंपनी के पास। ये जो है पुआरी में है, और ये जो है अभी रनिंग कंडीशन में, ये अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये है कॉपर डैम। इस कॉपर डैम को दोस्तों इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें पानी को पहले रोकना पड़ता है, तभी जो है हम डैम को बीच में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले वहाँ जहाँ आपको पानी दिख रहा है उस जगह में इनटेक टनल बनाई गई है, जिसका आउटफॉल परे होता है, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाऊंगा। और इसका काम यही है कि ये पानी को यहाँ से अंदर ले जाएगा और दूसरे आउटलेट से बाहर निकालेगा, और इन दौरान में हम बीच में जो है डैम बना सकते हैं। We'll be right back.
और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हर काम के लिए मैनेजमेंट की गई है, और यहाँ पर ये है मैकेनिकल वर्क के लिए एक जगह बनाई गई है जहाँ पर की गाड़ियाँ बनाई जाती है। और दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्रेशर प्लांट, और आप लोग देखिए अभी ये वर्किंग कंडीशन में है। और दोस्तों सामने आप लोग इस पाइप को देख लीजिए, इसका नाम है ब्लोअर पाइप। इसका वर्क ये है कि दोस्तों ये जब टनल के अंदर ब्लास्टिंग की जाती है तो उस टाइम जो वहाँ पर जहरीली गैस निकलती है उसको इस पाइप के थ्रू बाहर निकाला जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों जो बाहर से ऑक्सीजन ले जाने का काम भी यह पाइप करता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।